धार जिले के मनावर क्षेत्र की अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री अभिशाप बन गई है। कभी अन्य राज्यों का कचरा जलाकर, कभी उसके ट्राले तेज गति से दौड़कर लोगों की जान ले लेते हैं और अब नियम के विरुद्ध सड़क निर्माण में ओमकारेश्वर नहर को क्षतिग्रस्त किया। 500 करोड़ की लागत की ओमकारेश्वर परियोजना के फेस क्रमांक 4 की नहर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के रोड निर्माण के कारण हुई क्षतिग्रस्त। आपको बता दें 150 किलोमीटर की यह ओमकारेश्वर परियोजना केनाल आज मनावर विधानसभा टोंकी से मनावर के बीच टूट चुकी है। पानी बहकर रोड पर आ गया और रास्ता बंद हो गया है। किसानों ने बताया कि हम पहले से कह रहे हैं कि यह कार्य नियमों के खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन कोई जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों राज्यपाल के नाम ज्ञापन किसानों ने दिया था, जिसकी खबर समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी, जिसमें मनावर से लेकर धार भोपाल तक के अधिकारियों को जानकारी में डाला जा चुका था, लेकिन इस तरह की अनहोनी होने का इंतजार किया गया। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष जिला मनावर, आज जो नहर फूटी है उनका जतुतरण नहर ग्रुप टू में अल्ट्राटेक कंपनी के द्वारा नहर के किनारे पर रोड बनाया जा रहा है, जिससे नहर डैमेज हुई है और आगे भविष्य में भी नहर डैमेज होगी। इसके पूर्व हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया था, हम अनुभवाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जिसका परिणाम आज ये है कि यहाँ पर नहर लीकेज हो गई है, डैमेज हो गई है और आगे भविष्य में भी लीकेज होगी। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय तक मेरा ये मैसेज पहुंचे और यह नहर का नहर के किनारे पर जो रोड बन रहा है अल्ट्राटेक कंपनी को, इसको बंद करवाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।